Pakistan! Fire Bhutan Taliban! Fire Pakistan! Fire Taliban! Fire Taliban! Al-Qaeda! TRF! TRF! Pakistan! 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 Al-Qaeda! आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहां जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो रखा गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, तालिबान सरकार के खिलाफ। जब से तालिबानों की हुकूमत कब्जा जो है वो अफगानिस्तान में हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर टीआरएफ हो, हुज़्बुल मुजाहिदीन हो, जहां जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंटों की, उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर सेलेक्टिव किलिंग करना शुरू कर दी है। और श्रीनगर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंक का माहौल जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। और जम्मू कश्मीर को दोबारा 90 जैसे हालात बनाने की कोशिश जो है कायर पाकिस्तान, अलकायदा, तालिबानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी लोग आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 99% लोग जो है वो राष्ट्रवादी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद जो है उसको टूटने नहीं देंगे, भाईचारा को टूटने नहीं देंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, उसमें चाहे अर्बन लोकल बॉडी के नुमाइंदे हो, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से वास्ता रखने वाले नुमाइंदे हो, और चाहे हमारी जनरल पब्लिक जो है जम्मू की, ये सड़कों पर आज उतरी है और रोष प्रकट किया है पाकिस्तान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, टीआरएफ के खिलाफ, हुज़्बुल मुजाहिदीन के खिलाफ और लश्करे तौबा के खिलाफ, कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये खून खराबा जो हो रहा है वो बंद किया जाए। जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, जो मनियाटी कम्युनिटी की किलिंग हो रही है, वो फौरी तौर पर बंद की जाए। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, ताकीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की जाए और पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं, अड्डे हैं, उनको नफ्ते नफूस किया जाए और पाकिस्तान नक्शे में से मिटा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर सुख और शांति बनी रहे।